सभी पालमपुर के हमारे पत्रकार मित्रों का इस पत्रकार वार्ता में स्वागत है। आज हम एक विशेष विषय को लेकर आपके बीच में हाजिर हुए। हम पार्टी के पदाधिकारी, हमारे मंडल के सहयोगी भी साथ हैं, मंडल अध्यक्ष हैं, जिला के हमारे सहयोगी हैं, प्रदेश कार्य समिति के सदस्य पालमपुर से हैं। पिछले कुछ दिनों से अखबारों में और सोशल मीडिया के माध्यम से इस सरकार की छवि खराब करने के कुछ ऐसे जो पोस्ट्स हैं या खबरें हैं वो आई हैं। लोगों द्वारा फेसबुक के माध्यम से हमारी पार्टी के सम्माननीय वरिष्ठ नेता, जिन्होंने हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को खड़ा करने में अपना जीवन खपाया है और जिनकी वजह से चार चार बार हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें बनी है और पांचवीं बार भी दोबारा सरकार बनी है, जिनके कठिन परिश्रम के कारण हिमाचल प्रदेश में यह संभव हुआ है, आदरणीय श्री शांता कुमार जी और प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी और उनके जो विभाग के दो मंत्री वरिष्ठ मंत्री हैं, उनकी छवि को खराब करने का प्रयास कुछ पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा किया गया। और जब ये मामला ध्यान में आया तो हमारे सुलह विधानसभा क्षेत्र के एक एडवोकेट हैं, उन्होंने उसकी FIR जो है वो भवारना थाना में दर्ज करवाई और पुलिस ने अपनी कार्रवाई शुरू की और जब छानबीन की और उस व्यक्ति को पूछताछ के लिए पुलिस ने बुलाया, उस व्यक्ति ने वहां पर पुलिस को जो जानकारियां दी, जो बताया, जिसमें हमारी सरकार के ही एक पूर्व मंत्री का नाम उस प्रकरण में आया है, श्री रविंद्र रवि जी, और पुलिस उसकी छानबीन कर रही है। निश्चित रूप से यह दुर्भाग्यपूर्ण है अगर ऐसा हुआ है, ये तो पुलिस की सारी छानबीन के बाद ही पता चलेगा कि वो किस प्रकार से सोशल मीडिया में इस प्रकार की जो ये घटना सारी हुई है, सरकार की छवि करने खराब करने का जो प्रयास हुआ है, इसमें कौन संलिप्त है। तो मेरा आपसे निवेदन है कि इस प्रकार की जो ये सोशल मीडिया में ऐसी खबरें छप रही हैं, आप सभी प्रबुद्ध हैं और आप सब ने सरकार के कामकाज को देखा है, आपने पहली सरकारों के काम को भी देखा है और इस जयराम ठाकुर जी की जो सरकार ये पिछले पौने दो वर्ष में काम कर रही है, इस सब काम को भी आप सब ने देखा, आकलन किया है किस मेहनत के साथ ये मंत्री हमारे और हमारे मुख्यमंत्री काम कर रहे हैं, एक भी छुट्टी नहीं की है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने पिछले लगभग पौने दो वर्ष के जब से उन्होंने मुख्यमंत्री बने, सुबह 6 बजे से लेके और रात को 12 बजे तक वो जनता के लिए उपलब्ध रहते हैं, जहां भी वो प्रवास में हो वहां भी मिलते हैं। और यदि मुझे एक और बात इसमें जोड़नी है, प्रदेश में यशस्वी मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व में जो सरकार पिछले लगभग पौने दो वर्षों में जिस प्रकार से काम कर रही है, विकास के एक नए आयाम छुए हैं और इस सरकार ने ऐसे ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं, जो योजनाएं आम जनमानस और गरीब हेतु जितने भी हमारे मंत्री हैं, कोई भी विभाग हम ले लें, सभी विभागों में पारदर्शिता के साथ गरीब जनमानस की योजनाओं पे काम इस हिमाचल प्रदेश की जयराम ठाकुर की सरकार कर रही है, वो दुर्भाग्यपूर्ण है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की एक फेसबुक में वो डला था, लेकिन ऐसा कुछ शरारती तत्वों के द्वारा ऐसा किया गया, ऐसा हमें लगता है और पुलिस अपनी छानबीन इसमें कर रही है और पुलिस की छानबीन के बाद सारी बातचीत सामने आके आएगी।